हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो जैसा कि आप बहुत दिनों से देख रहे थे, जेनिक एजुकेशन की जब भी बात की जाती है तो हमेशा इलेक्ट्रिकल की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात होती है। मतलब कभी भी हमने बात नहीं किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इन सब इंजीनियरिंग के बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि जेनिक का एक जो वैल्यू क्रिएट हुई थी वो क्रिएट कहाँ से हुई थी? इलेक्ट्रिकल से क्रिएट हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक से क्रिएट हुई थी। तो आज जो अब हम लोगों ने, आपने कुछ दिन पहले एक इंट्रो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें आपको बताया गया था कि कुछ हम नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी फील्ड भी होनी चाहिए जिसमें कि हमको एंट्री करनी चाहिए, जिसका कि अगर मास देखें अगर हम तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उस फील्ड में। तो डेफिनेटली जेनिक जब इतने सारे बच्चों की हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, तो अदर फील्ड में भी उसको एंट्री करनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने, मतलब मैं बोलना बस यही चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं संदीप चंद्राकर सर बैठे हुए हैं, तो आई थिंक मुझे इनके इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको मैं पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं कि संदीप सर के साथ जो मेरी जर्नी रही है वो किस तरीके से रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं जब सर भिलाई से आया था, मैं उत्तर प्रदेश से जब भिलाई आया था फर्स्ट टाइम, तो आई गेस मैं जब रहना स्टार्ट किया था भिलाई में, तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि मैं हमेशा से, अभी भी मैं सर के ही घर पे रहता हूँ, ठीक है? मेरा वही घर है, इनके माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे हैं, ठीक है? तो संदीप सर से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, एकदम छोटे बड़े भाई जैसे हमेशा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन फ्रीक्वेंटली ऐसा होता रहता था कि सर से बातचीत होती रहती थी कि सर कभी ऐसा कुछ लगे तो आप ज़रूर जेनिक पे आइएगा। तो फाइनली, मतलब ये हम लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि संदीप सर जेनिक एजुकेशन पे आए हुए हैं और आपको अब वही बताएंगे कि मैकेनिकल और जो सिविल इंजीनियरिंग जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें संदीप सर आ गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो गई, ठीक है? क्योंकि आपको संदीप सर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो संदीप सर ने आई थिंक इंडिया के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में क्लासेस कर रखी हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर रखी हैं। भिलाई में बहुत दिन से थे संदीप सर, उसके बाद मैं तो सर के घर रहते ही था। इवन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेरी जो शादी हुई है वो सर के घर से ही हुई है, ठीक है? सर के घर पर ही मैं रहा, यहीं से बारात गई, सब कुछ वहीं से हुआ था। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, लेकिन कभी हम लोगों ने प्रोफेशनल वाइज कभी हम लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते थे कि हम भाई आप कहीं और हैं या मैं कहीं पे और हूँ, ये सब कभी डिस्कशन नहीं होता था। हम लोग एक पर्सनल रिलेशन हम लोग का बहुत अच्छा रहा हमेशा से, ठीक है? तो अब क्या, कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है? सर बहुत जगह काम भी किए हुए हैं। पहले सर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं सर से ही बात कराता हूँ आपकी, मैं क्या बताता हूँ, सर ही हमको बताएंगे। तो सर मैं सबसे पहले जेनिक के जितनी भी फैमिली मेम्बर है आपको वेलकम करते हैं, ठीक है? और आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग फेज था, जैसे आपने बीटेक से आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद आप फिर आईआईटी दिल्ली का आपका जो आपकी जर्नी रही, उसके बाद आप फिर ब्लू स्टार में भी आपने काम किया, उसके बाद आप गेट इंडस्ट्री में आए। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि बच्चे जब भी बीटेक कर लेते हैं या एमटेक कर लेते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं या बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाऊं, लेकिन आपने टीचिंग सेक्टर को आपने ऑप्ट किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने ऐसा क्यों सोचा, कैसा कोई चीज मोटिवेट किया आपको कि इस फील्ड में आना चाहिए, ऐसा कैसे हुआ सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पंकज सर, मतलब इतने अच्छे वर्ड्स के लिए, ठीक है? अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो मैंने भी बिल्कुल एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी, देन उसके बाद मैंने गेट एग्ज़ाम लिखा और गेट एग्ज़ाम लिखने के बाद फिर मैंने आईआईटी दिल्ली एडमिशन लिया फॉर मास्टर प्रोग्राम, ठीक है? सो मेरा जो मास्टर है वो थर्मल इंजीनियरिंग से है और बेसिकली मैं जैसे आपने बताया कि हमारी दोस्ती तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है? पुरानी दोस्ती है हमारी और 2016 से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो बस ये था कि अगर मैं कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो एक ऐसे लोगों के साथ काम करूँ जो एथिकली बिल्कुल सही हो। और हाँ, मतलब मुझे वो लगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियोस आ रहे थे जेनिक के, तो मैंने वही सोचा कि ये चीज़ें मैकेनिकल सिविल में क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती। तो बस यही वहाँ से एक पॉइंट आया है और चीज़ें थोड़ी सी
इससे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जो था, मैं वहाँ पे चीज़ें उतनी सही नहीं चल रही थी, तो मैंने फिर बेटर है, मैंने वही सोचा कि अभी मैं काम करता हूँ जेनिक के साथ, ठीक है, ये जो ऑनलाइन वाली जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि अभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हो, ठीक है, जेनिक काफ़ी ऊपर उठ चुका है, तो मैं इतना प्रॉमिस तो कर सकता हूँ आपसे कि जो सिचुएशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है राइट नाउ, वो सिचुएशन आप देखोगे कमिंग 3 or 4 months में मैकेनिकल सिविल में भी आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। हाँ तो बस ये चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे मतलब मैकेनिकल और सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, वो आपके पास इंडिया के जो बेस्ट टीचर होंगे, ठीक है, हम उन्हीं से आपके पास वो सब्जेक्ट डील कराएंगे, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, तो वो सब्जेक्ट मैं डील करूँगा, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अगर आप देखोगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी बिल्कुल हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छी से अच्छी फैकल्टीज हम बिल्कुल यहाँ पे लेके आए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सर कि जैसे आप पहले ब्लू स्टार में, हाँ, फिर आपने ब्लू स्टार छोड़ दिया, हाँ, ठीक है, आपने टीचिंग फील्ड में, बिल्कुल, तो ऐसा क्या हुआ, मतलब सर देखिए, एक्चुअली जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था IIT दिल्ली में, वो मेरा प्लेसमेंट था 2013 में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, और उसके बाद मैंने मेरी पोस्टिंग मुंबई में थी, तो एक्चुअली होता था 5 days वर्किंग हुआ करता था उस टाइम पे, और सैटरडे संडे मैं एज ए फ्रीलांसर पढ़ाया करता था, ठीक है, टीचिंग में इंटरेस्ट था, शुरू से ही टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो ये मेरे लिए अच्छा हो रहा था कि सैटरडे संडे यूटिलाइज हो रहा था, और उस वे में मैं इंजॉय कर रहा था, ऐसा था। फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं सैटरडे संडे इतना इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, और वैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वहाँ पे वर्क का ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जब आप मास्टर्स करके जाते हो तो आपका बेसिकली जो आप काम करते हो वो R&D डिपार्टमेंट में काम करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो चीज़ें ऐसी थी कि आप जब जिस पर्टिकुलर फील्ड से हो उसी टाइप का आपको काम मिले तो मज़ा आता है, तो बिल्कुल काम में भी मज़ा था, बट मैं वो 2 दिन काफ़ी इन्जॉय करता था, जो सैटरडे संडे वाला जो टाइम था वो काफ़ी इन्जॉय, बिल्कुल, हाँ, पढ़ाने वाला टाइम, तो ऐसा होता था कि मैं सैटरडे संडे मैं कभी मुंबई में नहीं रहा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि मैं कभी सूरत में क्लासेस ले रहा हूँ, कभी वडोदरा, कभी अहमदाबाद, कभी पुणे, कभी मुंबई में क्लासेस ले रहा हूँ, तो ऐसा था। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार क्यों ना इसको फिर फाइनली कैरियर बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि पैशन था, पढ़ाना तो पसंद था, तो क्यों ना इसको फिर कैरियर बनाया जाए, तो फिर उस वे में फिर मैंने फिर टीचिंग कैरियर स्टार्ट करने का सोचा परमानेंटली। बहुत कम लोग सब करते हैं, हाँ बिल्कुल, टीचिंग जो करियर होता है उसमें सब लोग एंट्री मारने से थोड़ा डरते हैं, हाँ, ये या तो लोग पार्ट टाइम में आते हैं, हाँ, जैसे आप पहले ब्लू स्टार में काम, बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट टाइम में, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपने बोल्ड डिसीजन लिया इस फील्ड में रहते हैं, ये नहीं देखे कि आगे 10 साल क्या होगा, इसका मतलब आपके अंदर वो कैलिबर पहले से आपको महसूस था कि मैं तो कर ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये नहीं था ब्लू स्टार छूट जाएगा फिर मैं क्या करूं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि देखिए सर, जब आप टीचिंग करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपका कॉन्फिडेंस है और वो आपका कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि और आपकी डिलीवरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर क्योंकि ये चीज़ें मैं सीख चुका था जब मैं ऑलरेडी मैं जॉब भी कर रहा था और क्लासेस भी ले रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि जो भी चीज़ जाएगा स्टूडेंट को, जो भी चीज़ जानने वाला है वो डिलीवरी वाइज, कंटेंट वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, ठीक है, वो आपके पास बेस्ट जाने वाला है। तो बस यही चीज़ थी कि आपके पास, फिर इसे मैं सोचा कि चलो इसे परमानेंटली अपना कैरियर बनाया जाए। मैंने देखा है सर कि मतलब कि मैकेनिकल में आपके, क्योंकि मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ मैकेनिकल के जो आपसे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो मैंने हमेशा देखा है मतलब कि बच्चे आपके, मैंने पोस्ट देखता रहता था, FB पे भी आते रहते थे, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और बच्चों को आपसे पता नहीं क्यों इतना अफेक्शन रहता है मैकेनिकल, और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जैसे FM हो गया, SOM हो गया, तो आई थिंक सिविल में भी वो कॉमन हो जाता है, तो वो अफेक्शन मेनली बहुत कम लोगों को मिल पाता है, हाँ। इस तरीके का अफेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके जो मैं देखता था जब मैं घर पर रहता था आपके, हाँ। तो आपके यहाँ जो गिफ्ट्स आते थे बच्चों की, हाँ। तरफ, ठीक है, आपके बर्थडे विशेस, हाँ। होते थे, ठीक है, हाँ। तो रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब कि बच्चे इतना अप्रिशिएट करते हैं आपकी टीचिंग को, तो ऑब्वियसली एक टीचर को कोई भी अप्रिशिएट तभी कर सकता है जब उससे कुछ न कुछ उसको आउटकम मिलता है, अगर उसको कोई आउटकम नहीं मिलता है तो कभी, और अप्रिशिएशन भी शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, अप्रिशिएशन भी आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपसे 10 साल बाद भी मिलता है वो बंदा, तब भी एक
नाम याद रहेगा कि संदीप सर ने आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया हुआ है, तो मैं कुछ कर पाया लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, किसी भी टीचर के लिए मोटिवेशन होता है जब भी उसके स्टूडेंट्स कहीं एक अच्छी जगह प्लेसमेंट लेते हैं या कहीं पहुंच जाते हैं और बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ें इस पॉइंट पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे सर ही आपसे बोलना चाहेंगे कि कभी भी ना एम को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा लाइफ में, जैसे सर ने भी जॉब किया हुआ है, मैं खुद किया हुआ हूँ, ठीक है, मैंने भी सब कुछ छोड़ के टीचिंग लाइन में आया हुआ हूँ। तो सर यही बात कहना चाह रहे हैं आपको, आप बेटा अपने एम के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट बनना सीखो, डिसिप्लिन्ड बनना सीखो। आपको फिर बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, आपका जो प्रोस्पेक्टिव हो आप उस फील्ड में एंट्री मारो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो अब जैसे संदीप सर हैं, तो मैं बार बार मैं क्या बोलूं, आई थिंक जितने छत्तीसगढ़ में जो बच्चे होंगे, छत्तीसगढ़ के जितने बच्चे होंगे, ठीक है, वो शायद जब मैं भिलाई में भी रहता था, ठीक है, आपके घर पर रहता था, तो शायद हम दोनों दोस्ती के बारे में बहुत 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 सारी चीज़ें बोली जाती थी, ठीक है, कि पंकज सर हैं, संदीप सर हैं, ठीक है। और आपको एक दो चीज़ें बता देते हैं, मतलब आज हम लोग फ्रैंकली बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, प्रोफेशन और ये सब कुछ नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग की ऐसी बॉन्डिंग थी कि मैं कैसे बताऊं इस चीज को, उस बॉन्डिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आज तक एक यही सर ऐसे थे, संदीप सर ही थे, कि इतने बुरे सिचुएशंस भी हमारे साथ आए, जेनिक के साथ भी आए थे, जब जेनिक शायद फॉर्म भी नहीं हुआ था, ठीक है, तब बहुत सारी बुरी सिचुएशन है, उसमें अगर कोई एक सिंगल बंदा भी खड़ा था तो संदीप सर ही थे। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि सर ने हमेशा साथ दिया है, एज अ होल हमारी पूरी टीम को हमेशा साथ दिया है, ऐसा कभी नहीं कि हमको कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी और सर ने हमको डिनाई किया, लेकिन हमने सर को कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि सर आप आओ जेनिक पे, क्योंकि ये सबका अपना इंटेंशन होता है कि उसको जहाँ कम्फर्ट रहता है वहाँ उस जोन में रहता है। तो हम लोग अभी तो मतलब आपको बता नहीं सकता, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, और कल एक और इंट्रोडक्शन आएगा तब और अच्छा लगेगा, ठीक है, कल एक और आपको सक्सेस मिलवाएंगे तब आपको और अच्छा लगेगा कि कुछ और भी लोग हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा फॉर्मल बातें हो गई हैं, तो अब टेक्निकली अगर हम बात करें सर, तो जैसे जेनिक प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल सिविल फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो अपना तो हमेशा के इरा आपने पहले भी देखा है, जब घर पे भी रहते थे, जैसे सोहेल रहता था, मैं रहता था, चंदन सर रहते थे, तो आप भी देखते, क्यों आपके घर पे सब लोग रह चुके हैं, ठीक है, तो आप देखते थे हम लोग रात रात भर लगे रहते थे, दिन भर काम करते रहते कि कंटेंट भाई सही जाना चाहिए, गड़बड़ ना हो, बेटर है ना दें ज़्यादा अच्छा, लेकिन जितना दें एटलीस्ट उतना अच्छा जाना चाहिए। तो इसमें जो हम लोग आज तक फॉलो किए हैं सर, कि जैसे कोई भी चीज़ टच करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको एक प्लान्ड वे में टच करें, मीन्स ये नहीं कि चलो जैसे मैं मशीन पढ़ा रहा हूँ तो डीसी मशीन का एक तो टॉपिक पढ़ा दिया, दो टॉपिक पढ़ा दिया, तीन न्यूमेरिकल करा दिए, उसके बाद मैंने कहा चलो डीसी मशीन हो गया, मतलब प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमने जो भी पोर्शन किया उसको कंप्लीट किया, डीसी मशीन उठाया पूरा किया, नेटवर्क किया पूरा किया, उसके बाद हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया, जितना भी किया उतना कंप्लीट किया, रेस्ट कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए जो चीजें नहीं हो पाए। तो मैकेनिकल सिविल में भी यही चीज आपसे बात, क्योंकि आप ही लीड कर रहे हो, आप ही मैकेनिकल सिविल लीड कर रहे हो, मेरे को तो कोई भी नॉलेज नहीं, ना हमारी किसी टीम को नॉलेज है मैकेनिकल सिविल। तो आप अगर लीड कर रहे हो सर, तो आप मैकेनिकल सिविल को जेनिक प्लेटफॉर्म पे आप अगले जो गेट 2020 है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं? सर देखिए, सबसे पहले आपने एक जो बात बोली ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट देते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब में आप जाके देखोगे तो कंटेंट है लोगों के, बट वो कंटेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, आप उन्होंने एज ए काइंड ऑफ प्रमोशन टाइप का, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियोस डाल दिया है और मैं देखता हूँ कि वो साल भर हो गए वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ये चीज़ सबसे बड़ी दुखद चीज़ है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगा कि यार आप स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो नहीं रहा है, ठीक है, मतलब जैसे प्रमोशन हम लोग भी करते हैं, हाँ प्रमोशन इज गुड, हाँ प्रमोशन करना चाहिए भाई, हमें एक बिजनेस रन करना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट एटलीस्ट चीज़ों के एक सीक्वेंस फॉर्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ भी रैंडमली कहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं, मतलब तो बस मेरा सर, अगर मैं बिल्कुल जेनिक के साथ अगर मैं जुड़ रहा हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी सर कि जो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है डे वन से
वो आपका मेंटेन रहे, ठीक है, हर दिन आपके वीडियोस आएंगे और वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको वो सब्जेक्ट बीच में छोड़ दे के आपके पास कोई और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। वो अलग बात है, कभी कोई बीमार, हाँ वो एक अलग चीज़ है सर, वो सिचुएशनल कंडीशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से है। बट पूरी कोशिश यही रहेगी कि सर अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैं अगर स्टार्ट करता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो सर यहाँ पे मैं एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया। 30 डेज में आप देखो कि हर दिन आपको एक दो वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, अब उतना भी करेंगे, ठीक है, आप उतना भी करेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो एक टाइम ड्यूरेशन है कि 30 डेज में वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और ये मेरा प्रॉमिस है, मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं सब्जेक्ट बीच में मतलब चलो छोड़ दिया, अब ये काम करते दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, रहता है ऐसा लोगों का, ठीक है, कि अभी फॉर एग्जांपल चलो फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया, बीच में या अचानक से रैंडम और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर मैं जुड़ता हूँ तो सर चीज़ें एथिकल हो, ठीक है, मैं इस चीज़ को हमेशा मानता हूँ, और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ठीक है, चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो, और क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। सर टीचिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें अगर आप दिल लगा के काम करते हो ना तो आपको ना उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा, मतलब आपको अच्छा। आपने एक बात बोली कि स्टूडेंट पसंद करते हैं, रीज़न मेरा सिर्फ इतना है सर कि मैं दिल से काम करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये प्रोफेशन वैसा है सर, क्योंकि इस प्रोफेशन के साथ लोगों का कैरियर जुड़ा है और आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते सर। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन भी है, ठीक है, एट द सेम टाइम ये मेरे लिए मोटिवेशन है कि ऐसा करना है, और बिल्कुल इस चीज़ को मैं यहाँ इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको और मैं आपको कंपटीशन देने वाला हूँ ये मान लीजिए आप, ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपटीशन देने वाला हूँ। हम तो चाहते हैं सर कि हाँ, मैकेनिकल सिविल मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आईएएस सबको बीट करे। बिल्कुल 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 करेगा सर, बिल्कुल। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो आपको शायद पता होना चाहिए कि अगर आप मास कम्युनिकेशन आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मैकेनिकल सिविल के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिकल ईसी की अगर आप बात करो, अगर मैं एक पर्टिकुलर जहाँ हम लोग रह रहे हैं छत्तीसगढ़ बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ईसी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है जो मैक्सिमम मैकेनिकल सिविल में स्ट्रेंथ है। तो ऑब्वियसली ये पूरा चांस है हमारे पास कि मैकेनिकल सिविल को हम जितना अच्छा एफर्ट करके दे पाएंगे उतना ही हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, उतना ही हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा, उतना ही वो एक अलग चीज़ है कि आगे क्या करेंगे, कभी लाइफ में प्रोडक्ट लेके आएंगे नहीं लाएंगे, वो एक बात की बात है। ऐसा नहीं है कि अभी भाई हम तुरंत मतलब 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट कभी आएगा, वो एक प्लान्ड वे होगा, जब आना होगा आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज चीज़ें हमेशा एक प्लान्ड वे में हो, क्योंकि देखिए अगर आपका प्लानिंग अच्छा है ना तो आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख लिया और मैंने रैंडमली मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये करना है, हमेशा चीज़ें ऐसी नहीं होती ना, कि अगर आपका प्लानिंग वाला पार्ट अच्छा है तो एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात करते हैं जैसे जेनिक की जब शुरुआत हुई, तो आई थिंक आपके घर से हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सब पता है, मुझे सब याद है, आपके घर पे थे और मैं रात में बैठा हुआ था। बिल्कुल सर, उसके बाद सोहेल सर भी थे, हाँ हाँ, चंदन सर, बिल्कुल हाँ, हम लोग आपस में डिस्कशन किए, हाँ हाँ, उसके बाद पटीदार सर भी थे, ठीक है, बिल्कुल सब लोग थे, हाँ थे, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे, फिर हम लोग आपका ये इन्वॉल्वमेंट रहता था हमेशा कि आप लोग अच्छा करो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं एक बार शायद आपसे बोला भी था आप भी आ जाओ, हाँ हाँ, उसके बाद आपने बोला नहीं सर अभी तो नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत लोगों को प्रॉमिसेस, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल पहले निभाऊंगा, हाँ सर, और मैंने प्रॉमिसेस निभाए भी सर, वो एक अलग स्टोरी है कि जिन लोगों के लिए प्रॉमिसेस निभाए उन्होंने डीच किया, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है, उसके बारे में तो आपको बता देना चाहते हैं, कुछ लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे बेटा, और यहाँ पे जो दो लोग बैठे हुए हैं ना आपको, या जो लोग भी ये कमेंट करेंगे कुछ भी करेंगे, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक नहीं बात की हम लोग किसी के बारे में, आज तक बात नहीं हुई यूट्यूब पे, किसी को टारगेट किया गया कुछ नहीं, और आपको बताते हैं कितनी बार टारगेट किया गया जेनिक एजुकेशन को फेसबुक से, मेरे खिलाफ जो ट्रॉलिंग हुई है लाखों बार, ठीक है, सोहेल के खिलाफ ट्रॉलिंग हुई कई बार, ठीक है, सबके लिए ट्रॉलिंग कराई गई, आपको शायद कभी पता भी नहीं चला होगा, आपको जब कोई बोलता है ना कुछ फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आपके साथ गाली गलौज कोई करता है, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां, आप इस सेक्टर में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, और आप इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कि हमें पता नहीं ये सब चीजें, आपको शायद पता नहीं होगा ऑनलाइन मीडिया में मैं हूं या सोहेल अंसारी सर हैं बहुत पहले से बेटा, जब कुछ था भी नहीं, जब किसी के पास कुछ नहीं था ना ऑनलाइन मीडिया में, तब से हम लोग हैं, तो ऑनलाइन मीडिया का एटलीस्ट हमको पाठ जो लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो ना पढ़ाएं,
ठीक है, और ये ट्रॉलिंग एंड ऑल, उल्टे सीधे आईडी बनाना, कुछ भी लिखवा, इवन मेरे टाइमलाइन पे भी लिखवाते लोग, उनको लगता है मैं कुछ रिएक्ट करूं, उसके बाद फिर कुछ उस पर हो, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है यार? एक चीज बताओ, अगर इतनी ही वो हो ना, तो आप सामने आके बात करो ना, हम तो भाई सामने बात करते हैं, आपसे बात करते, आपके घर जाते थे, आप कहीं और काम करते थे, मैं आपके घर फ्रीक्वेंटली जाता था, उसके बाद आप मिलते थे मेरे से, आपने तो नहीं रिश्ता तोड़ा ना मेरे से, ठीक है, लेकिन लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए सर, ठीक है। एक चीज मैं बस बोलना चाहूंगा, आप कॉम्पिटिशन करो, कॉम्पिटिशन अच्छी चीज है, बट कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये गंदी टैक्टिक्स निकाल निकाल के आप कॉम्पीट कर रहे हो, ये आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप कॉम्पिटिशन करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है कॉम्पिटिशन करना, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, कॉम्पिटिशन हमेशा हेल्दी हो, हमेशा। उसके उसका क्योंकि उसका एडवांटेज आपको डायरेक्टली स्टूडेंट कम्युनिटी को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कॉम्पिटिशन हेल्दी है, इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है कि यार वो मेरे से अच्छा डील कर रहा है, नहीं मेरे को उससे अच्छा डील कर रहा है, हाँ तो अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है, डील कर रहा है बिल्कुल सर, वो तो अच्छी बात। अब भाई मशीन की बात करते हैं, हाँ हाँ, जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ, तो मेरी फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं तो मोस्ट रेस्पेक्टफुल पर्सन के एन राव सर है, जो मेडिजिक फैकल्टी है, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट हिम, मतलब उनसे हमारी बात भी होती है, फोन पे कन्वर्सेशन भी होता है, ठीक है, आपको बताया भी था मैंने, और जिस दिन सर का फोन आया था, आई गेस मैं बहुत अच्छा फील किया था, सर ने अप्रिशिएट किया, हाँ आप साथ में ही थे, भिलाई में हम लोग थे, ठीक है, तो ये एक हेल्दी हेल्दी चीज होती है, तो आपको आप बेटा आप लोग स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो तो हमारा भी ये धर्म बनता है कि एटलीस्ट ये सारी चीजें स्टूडेंट के साथ तो नहीं करनी चाहिए, करना है तो पर्सनल लेवल करो, आपको भाई कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से मिलो, आप डिस्कस करो, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको स्टूडेंट के बीच में प्रोपेगेंडा बनाना, ये बनाना, ये एक टीचर को शोभा नहीं देता सर, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब जैसे जैसे अब मैकेनिकल बात करें, मान लिया संदीप सर हैं, मान लिया FM पढ़ाते हैं, सोम पढ़ाते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर पढ़ाते हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना संदीप सर से बेस्ट कोई और नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल है, एक से एक फैकल्टी मैकेनिकल में अमित कक्कड़ सर हैं, मॉन्डल सर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी आप डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं सर, ये फैकल्टीज ऐसे हैं कि इनका कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस का जो लेवल है वो बिल्कुल मेरे से ज्यादा है, ठीक है, बट हाँ ये अगर वो 20 हैं तो मैं 19 हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल, अगर वो 20 हैं, वो आपके पास हर एक स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, बिल्कुल सर मैं कोशिश करूंगा उनके इक्विवेलेंट जाने का, और अगर मेरी कोशिश में मैं 19 भी पहुंच जाऊँ ना, दैट मीन्स ये मेरे लिए अचीवमेंट होगी सर, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी को डीफेम करने के लिए ये नहीं बोलूंगा कि सर वो ऐसा है वो ऐसा है, क्योंकि वो हाईली रिस्पेक्टेड टीचर्स है सर, सर है ऐसे लोग, बिल्कुल गॉड मानते हैं भाई, हाउ यू आर एवरीथिंग, हाउ यू आर एवरीथिंग, यू आर मतलब फिर डीपी कोठारी सर हो गए, उसके जो आईटी प्रोफेसर आपके आईटी, बिल्कुल 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 सर, अरे फिर तो मतलब जो है यही लोग है फिर तो, उनका तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं, जो जो चीजें कर रहे हैं वो तो फालतू में कर रहे हैं, गवर्नमेंट फालतू में चीजें कर रही है, तो एक एक रिस्पेक्ट वाला पार्ट सर, बहुत बहुत जरूरी है सर, ये जो फील्ड है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा जो है अगर इस फील्ड में आता है सर, तो एक रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में, और सर जो टीचर होता है ना उसको रिस्पेक्ट की भूख ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर उसको, क्योंकि हर जगह पे उसके स्टूडेंट रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ वो एक्सपेक्ट करता है वो अपने कलीग से भी, जिनके साथ वो काम कर रहा है वो उनसे भी रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है, आप मेरे कलीग हो मैं आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करूँगा, आप मेरे से उम्मीद करोगे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर इस, अगर आपको चीजें अच्छे वे में रखनी है तो, बट सर बट ये चीजें हैं ऐसी नहीं हो पाती, इंडस्ट्री है, इसमें ये सारी चीजें चलती रहती हैं, बट अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, अभी हम लोग एकदम नए वे में आए हैं, ठीक है, और आपको जैसा सर ने बोला है, और ये सर ने बोला नहीं है, ठीक है, आपको ये चीजें दिख जाएंगी, हम पहले से कोई चीज बात ही नहीं कर रहे भाई कि ये ऐसा होगा, इतना खतरनाक तरीके से जाएगा, नहीं बात कर रहे भाई, आप देखते जाओ, सब्जेक्ट्स आएंगे, आप खुद देखो, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि जो सर ने बात बोली ना कि 20 नहीं अगर हो पाए ना तो 19 तो जरूर निकलेंगे, ये होगा, और ये चीज हो के रहेगा। संदीप सर के बारे में जितना मेरी इंफॉर्मेशन है, जितना मैं जानता हूं इनको 4-5 सालों से जितना मैं जानता हूं, उतना मैं ये डैम श्योर हूं कि आपको जो भी कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही सुपर्ब वे मिलने वाला है, और ऐसा कंटेंट इतना इजीली नहीं अवेलेबल हो पाता है, और आपको दिखेगा, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, सब्जेक्ट जब लॉन्च होगा तो आपको सारे कंटेंट अवेलेबल होगा, वैसे भी जेनिक एजुकेशन सब्जेक्ट को एकदम सीक्वेंस लेके चलता है, ऐसा नहीं है कि वाला हार्ड वाला टॉपिक छोड़ दिया, ये वाला टॉपिक छोड़ दिया,
ठीक है, ऐसा नहीं बस गेट के चार क्वेश्चन लगवा दिए और हो गया मेरा काम। इवन सर मैंने पूरी इसकी प्लानिंग भी की हुई है कि मैं क्योंकि एंड ऑफ द डे इससे फायदा स्टूडेंट कम्युनिटी को होना चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर एक सिक्वेंस प्लान किया हुआ है। मेरा प्लानिंग ऐसा है कि सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, एट द सेम टाइम कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जनरली सर स्टूडेंट के साथ होता क्या है, प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। उनके पास सर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं, गेट के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट फिर बुक पे तो जा नहीं सकता क्योंकि उसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है आपके पास, 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, तो और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली आपको टाइम देना है क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन तो सभी को पता है। तो स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर बुक पे वर्कआउट करे और बुक पे वर्कआउट करके क्वेश्चन निकाले और क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो ये मेरा एक प्लानिंग का पार्ट है कि मैं असाइनमेंट वाला जो पार्ट है वो मैं करूंगा, वो हम लोग डिस्कस किए, हाँ असाइनमेंट वाला हमने, हाँ वो पूरा एक मेरा पार्ट है कि, और वो असाइनमेंट क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं है कि मैंने गेट से निकाला और मैंने आपको दे दिया, ठीक है। गेट के क्वेश्चंस तो मैं इतना तो मैं करवा दूंगा कि आप गेट के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, और इवन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा, जो क्वेश्चंस आपके पास गेट के टफ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वो मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा। और बाकी जो असाइनमेंट वाला पार्ट है उसमें आपके पास अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छी बुक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स मेनली जो प्रीफर करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन चीज़ों उन वो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो बिल्कुल वो असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेगा। तो बस यही बोलूँगा कि आप जेनी के साथ बने रहो, ठीक है, मतलब आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है ना, ये चीज़ मैं बिल्कुल बोलूँगा। हाँ पूरा भरोसा है, पूरा फेथ है, और अब जब आप ही लीड कर रहे हो, जब आप ही, मतलब हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग देखते हैं कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वन मंथ से प्लान कर रहे थे कि मतलब कि कुछ मैकेनिकल सिविल में कुछ करें, ठीक है, एसएससी जेई हम लोगों ने लॉन्च ही किया हुआ, आरआरबी जेई का कोर्स चल ही रहा है, ठीक है, उसमें सचिन सर सुपर डील कर रहे हैं, इवन सचिन सर जेई का भी बहुत सुपर पढ़ाते हैं और गेट में उनका बहुत अच्छा नाम है सिविल में, तो उनका चल ही रहा है। अभी उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से शायद 2-4 दिन से उनके वीडियोज आ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, जैसे हम लोग थे सोहेल सर, मैं, चंदन सर, ये सबको ने डिसाइड किया कि भाई जब मैकेनिकल सिविल कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो इसको अच्छे से लीड कर सके। हम इसमें क्या इनपुट देंगे, हमको क्या पता सॉयल क्या होता है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, भाई हमको क्या। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई बताइए कि ये रोटर क्या कर रहा है, मशीन क्या, अब नहीं, क्योंकि आपका फील्ड बिल्कुल अलग है। तो सेम मैनर में इसलिए सर ने हम लोगों से बोला कि सर इसको मैं ही लीड करता हूं और आप टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, अपन जो भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चीज, और आपको बहुत जल्दी एक से एक फैकल्टी दिखने वाले हैं, और कुछ लोग तो ऐसे दिखेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये लोग भी आ सकते हैं क्या जेनिक पे, ऐसा भी होगा, कुछ फैकल्टी तो ऐसे में आएंगे, नाम अभी नहीं रिवील करेंगे, ठीक है, सस्पेंस रहेगा आपको। देखिए आप सच बता रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ के लोग आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप इतना जेनिक को बेटा आप लाइटली मत लो, जेनिक बहुत ही कम ड्यूरेशन में चीजों के अचीव करने की कोशिश किया है, तो बेटा उसके पीछे बहुत एफर्ट लगा है। ऐसा नहीं है कि ये वन नाइट स्टैंड था कि एक रात रुक गए उसके बाद सारा कुछ कंक्लूड कर दिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है सर, 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 700 से ऊपर वीडियोस हमने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से क्रैश कोर्स लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट हम लोगों ने करवाया था। कुछ वो शादी थी, इस वजह से कुछ मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा छूट गया था, उसके लिए भाई अब सॉरी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि जून के बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ऐसा नहीं कुछ वो खाली रह जाएगा, अभी बहुत टाइम बेटा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैकेनिकल सिविल में सर एकदम फॉर्म में है, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको दिखाई देगा चीजें किस तरीके से होंगी। अब एक चीज, एक दो डिलमा सर होता है बच्चों को, जैसे कि मैकेनिकल सिविल में लोग बात करते हैं कि मतलब कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ऐसा बात करते हैं। वैसे इस बार इलेक्ट्रिकल वालों ने मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया है, ठीक है। तो मैकेनिकल सिविल में जैसे 70-80 लोग गेन करते हैं, तो उनको कुछ अचीव अच्छा खासा नहीं हो पाता है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे सर? देखिए सबसे बिल्कुल आज की डेट में अगर आप देखोगे और रिसेंट पास्ट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो कट ऑफ बिल्कुल हाई जाता है, ठीक है, इस चीज को मैं मानता हूं। अगर आपको 80 स्कोर करना है, ठीक है, तो 80-85 स्कोर करने के लिए आपको सब्जेक्ट को थॉरो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाए और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस लगा लिए और आप वही करके चले जा रहे हो, तो आप
क्वालिफाई हो जाओगे, हो सकता है कि आपके पास 55-60 भी स्कोर कर पाओ. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 55-60 भी स्कोर किया है, बट सर आप वो स्कोर नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो. आइदर आप पब्लिक सेक्टर चाहते हो या फिर एक अच्छी आईआईटी से एमटेक करना चाहते हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हो, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट को थॉरो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते. आज की डेट में ऐसा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को, इवन एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इक्वली इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एप्टीट्यूड का पार्ट है. सबको पता है 15 मार्क्स आना है, दैट मीन्स 15 मार्क्स आना है. मैथमेटिक्स है आपके पास, हर साल 12 से 13 नंबर आपके पास क्वेश्चन आते हैं. रिमेनिंग जो पार्ट है 70-70 के आसपास जो होता है, वो आपका टेक्निकल का पार्ट होता है. और सर टेक्निकल पार्ट ऐसा है ना कि आप अगर आपने थॉरो किया हुआ है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 70 में से 70 ला लोगे, बट आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो अगर ओवरऑल देखा जाए, क्यूमुलेटिव अगर निकाला जाए यहाँ पे, तो लाया जा सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास अगर चीज़ें हैं थॉरो है तो 80-85 स्कोर किया जा सकता है. अगर इवन आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चीज़ों को आपने थॉरो किया है, तो आप कर सकते हो. ठीक है, तो सर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जैसे जो डेंसिटी जो होती है वो नीचे साइड काफ़ी बढ़ती है. ठीक है, जैसे अगर मैं 75 से 80 के बीच में बोलूँ तो आपके पास वहाँ पे आपके पास डेंसिटी काफ़ी मिलती है. तो इन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आपके पास बिल्कुल आप पब्लिक सेक्टर्स के फॉर्म जो होते हैं वो भरो, क्योंकि उसमें आपके पास आई थिंक सो उसमें आपके पास 15 मार्क्स जो होता है, 15 मार्क्स आपके पास आपका पुराना जो आपका क्या बोलते हैं एजुकेशन वाला जो है, जो भी बी का है डिग्री, वो भी देखा जाता है. आपके पास इंटरव्यूज़ होते हैं, वो आप क्रैक कर सकते हो. तो इंटरव्यूज़ आप क्रैक कर सकते हो, तो बाकी चीज़ें फिर आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसके लिए हाँ, अगर आप 75 से 80 के बीच में स्कोर किया जा सकता है कि अभी जितने पास्ट ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे तो. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट को थॉरो करना, थॉरो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक उठा लिया और उसके बाद उस टॉपिक से क्वेश्चंस लगा रहे, नहीं ऐसा नहीं करना. थॉरो होना भी चाहिए सब्जेक्ट, प्लस हाँ, ये भी जरूरी है हाँ, कि लगभग मैक्सिमम कवरेज भी करना. मैक्सिमम कवरेज चलता है चलता है. मैक्सिमम कवरेज, मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए. मैक्सिमम जो टॉपिक से देखिए, मतलब ऐसा है कि गेट का जो एग्जाम है ना, एक सर्टेन ट्रेंड को फॉलो करता है. ठीक है, ट्रेंड को भी फॉलो करता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास आप सिलेबस, ऐसा सिलेबस के बाहर की चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है. ठीक है सर, मैं देखता हूँ, मैं तो थक जाता हूँ बच्चों. हाँ हाँ ठीक है, कि मैंने जो देखा है, जो एनालिसिस मैंने इलेक्ट्रिकल का पेपर चाहिए किसी का, मैं 2003 से लेके आज तक का पेपर, आपको नहीं लगता है कि जो क्वेश्चंस के जो ट्रेंड रहे वो सेम टाइप के नहीं दिखाई देते? बस उसमें अगर डिफरेंस में देखता हूँ, हाँ, डिफरेंस क्या, मान लिया 65 क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो 3-4 क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर जाते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम देते हैं. हाँ बिल्कुल होता है. मैं जो देखा हूँ सर, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 70-80% पेपर उसका ट्रेंड प्रीवियस ईयर जैसा ही बिल्कुल है. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कि कुछ एकदम ही अलग हो जाए. नहीं नहीं नहीं, देखिए आपके पास अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, आपके पास कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे. कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होंगे ना, बट हाँ उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट वे में फ्रेम किया जा सकता है. और सर आईआईटी मतलब जो आईआईटी जो पेपर सेट करता है वो डेफिनेटली आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको पता है कि स्टूडेंट की वीकनेस कहाँ पे है, स्टूडेंट कहाँ पे कमज़ोर पढ़ सकता है, उसको पता है. अगर उसको कॉन्सेप्ट आता भी है ना, तो कई बार वो प्रॉब्लम गलत करता है क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं है. अब एक चीज इस पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की लोग बात करते हैं, ठीक है, मैं हमेशा ही सुनता रहता हूँ, बहुत सारे लोग बात करते हैं क्वेश्चन कि वी हैव डिजाइंड अ न्यू क्वेश्चन. ठीक है, वी हैव डिजाइंड न्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेमिंग ऑफ न्यू क्वेश्चन? ठीक है, उनका मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअली आपको पता भी है कि एक नया क्वेश्चन फ्रेम करने का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को एक एसी के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है, तो मुझको क्या बताया जाएगा, इसको हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं कि यू हैव समथिंग आउटपुट, यू हैव समथिंग इनपुट, एंड आपका डिजायर्ड एक आउटपुट है कि मुझको ठंडा करना है. ठीक है, रूम को ठंडा करना है. ठीक है, अब मेरे पास इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, अब मैं इसमें क्या क्या चीज यूज करूं, भाई एसी तभी तो बनी होगी ना, तो क्वेश्चन इसी बेस पे तो बनेंगे ना कि भाई आपका आउटकम क्या है और इनपुट क्या है, उसके बेस पे सर्किट की डिजाइनिंग होती है. जैसे हम इलेक्ट्रिकल बात कर रहे हैं कि भाई एक नेटवर्क सर्किट आएगा, तो भाई वो पहले बोलेगा कि ये बल्ब है, बल्ब को इतना वाटेज जलाना है, अब इसमें कितने रेजिस्टेंस में लगा दूं, कितना सोर्स में लगा दूं कि ये मेरा इतना वाट दे दे, उसको कहते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग. और आईआईटीज में मैंने देखा, मेरे दोस्त भी आईआईटी दिल्ली में पढ़े हुए हैं, ठीक है, अंकित सर एक हमारे थे, हमसे सीनियर थे, वो भी पढ़ते थे, तो वो बताते मतलब कि क्वेश्चन फ्रेमिंग उसको कहते हैं क्वेश्चन. लेकिन यहाँ जो प्रोपेगेंडा हो गया है आज के गेट इंडस्ट्री में,
आपने डेटा थोड़ा इधर उधर कर दिया, और बता रहा हूं ठीक है, डायग्राम आपका अगर इस तरीके से बना हुआ है तो उसको आपने उल्टा करके दिखा दिया तो उसको बोल दिया जाता है इट्स अ न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन। सोचो मतलब कि बच्चों को जो डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं चिल्लाते मर जा रहा हूं ठीक है, रोज चिल्ला रहा हूं कि बेटा गेट के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसकी एनालिसिस अच्छे से करो, उसके बाद आप ईएस के क्वेश्चंस आप लगा लो। अगर कोई बच्चा सर इतना भी करता है प्लस टेस्ट सीरीज जो होगी, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करे, गेट के क्वेश्चन लगा, ईएस लगा, आपको नहीं लगता सर उसको क्या और भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत है? क्योंकि सर देखिए टाइम बाउंडेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट अबाउट कि आपके पास ऐसा है कि आप दो साल प्रिपेयर करोगे और उसके बाद आप तीसरे साल में जाके पेपर दोगे, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कि आपके पास देखिए अगर जो फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट है, हाँ हाँ मैक्सिमम उतना ही होता है उसके पास, तो अगर उसको फॉर एग्जांपल वो इतना टाइम तो नहीं दे पाएगा ना कि आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ा है और उसके लिए वो नंबर ऑफ बुक्स लगा रहा है, ठीक है, और ये कभी नहीं करना है, ये करना भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना ये चीज़ें, ठीक है। इसके लिए आपके पास टीचर है, ठीक है, वो आपके पास, मैं न्यूली फ्रेम तो नहीं कहूँगा इस चीज़ को, मैं ये बोलूँगा डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो टीचर का काम है, बिल्कुल वो स्टूडेंट का काम नहीं है। स्टूडेंट कभी ये चीज़ नहीं करेगा कि आपके पास वो जाके ये फलानी बुक देख रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना है उसको, ठीक है। तो ये टीचर का काम होता है उसको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रोवाइड करना, ठीक है, सो दैट कि उसके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, ठीक है, क्योंकि गेट का एग्जाम ऐसा है सर, ये आपके पास ऐसा नहीं कि आप रट लोगे निकल जाओगे, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसके लिए आपको भैया नहीं 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 ये नेट टाइप प्रॉब्लम्स, हाँ 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 बिल्कुल नहीं, ये मतलब ऐसा है कि आपके पास आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड होना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब तो जो क्वेश्चंस का जो लेवल है नो डाउट थोड़ा सा डाउन हुआ है, डाउन हुआ है, हाँ ऑनलाइन के हिसाब से, बिल्कुल 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 डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है सर। और साथ में स्टूडेंट को देखिए जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो एट द सेम टाइम आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि स्पीड, बिकॉज ये एग्जाम 3 घंटे का है, 3 घंटे के 65 क्वेश्चंस के करने हैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पीड आप स्लो करोगे एक्यूरेसी के चक्कर में। आप एक्यूरेसी अच्छी लाना चाहते हो इसके लिए आपकी स्पीड कम हो गई, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है, ठीक है, तो स्पीड भी आपकी मेंटेन हो एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन हो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर। तो मेनली जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट का मैंने देखा है, देखो जब आपको पता है, आपको डे वन से पता है, जिस दिन आप गेट की प्रिपरेशन में लग जाते हो उस दिन से आपको ये पता है कि कैलकुलेटर जो है वो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर है, वर्चुअल, हाँ ऑर्डिनरी कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप ऑर्डिनरी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करो, आप बिल्कुल ऑर्डिनरी कैलकुलेटर यूज़ करो, बट देखिए क्वेश्चन बनाने, जब आप क्वेश्चन बनाते हो, जैसे आप पर्टिकुलर सपोज किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस लगा रहे हो तो ठीक है, आप वहाँ पे ऑर्डिनरी कैलकुलेटर यूज़ करो, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल सर बिल्कुल वर्चुअल कैलकुलेटर आप यूज़ करो। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में, बिल्कुल आप आज मैं इसमें आज काम करता हूँ और मैं, ठीक है, एग्जाम के एक महीने पहले मैं वर्चुअल कैलकुलेटर में अपना हाथ अच्छे से कर लूँगा, सो पॉसिबल नहीं है सर। तो आप बच्चों आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ को, आप किसी भी एक टीचर से आप मिलोगे ना जो भी मतलब एक एक्सपीरियंस ले रखा होगा इस इंडस्ट्री का, तो आई डोंट थिंक सो वो कभी भी कहेगा कि आप बेटा एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन लगा डालो, कभी नहीं कह सकता। अगर वो कह दे रहा है ना तो आपको बहुत गलत डायरेक्शन लेके चला गया, और आपको बेटा ऐसा नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, सर बोल रहे हैं, मैं तो मतलब चिल्ला चिल्ला कितने सालों से बोल रहा हूँ, मानते ही नहीं है। एट द एंड जब नवंबर दिसंबर आता तब उनका ये मैसेज आता है, सर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने में ही व्यस्त रह गए तो रिवीजन नहीं हो पाया और टेस्ट सीरीज सही से नहीं दे पाए। यही होता है और ये हर साल रिपीटेडली होता है और बच्चों को समझ नहीं आता। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हम सब कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप बेटा गेट के क्वेश्चन आप लगाइए, एनालिसिस करो उसको प्रॉपर, उसके बाद आप ईएससी क्वेश्चन आप लगाइए। और अगर क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही है तो जैसे क्रैश कोर्स आपका चलेगा, आप उन क्वेश्चन करो, सर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इसी डबलिंग में असाइनमेंट मिल रहे हैं आपको, आप उसको करो। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करनी तो भाई आप 2-3 टेस्ट सीरीज लो ना, एक टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस के लिए रखो और 2 टेस्ट सीरीज को अपना टेस्ट करो उसमें। और सर एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे आप टेस्ट सीरीज जो होता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलता कि टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है सर, टेस्ट सीरीज के साथ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने सपोज कोई एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट लिया है, टेस्ट सीरीज अगर आप इंगेज कर रहे हो, तो आप ये देखोगे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैप ज़्यादा इररिलेवेंट ज़्यादा होंगे। कभी कभी क्या होता है सर, बच्चा ना अगर उसके मार्क्स कम आए, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है ना, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, प्रॉब्लम ये है। हाँ, जब एकदम जंक्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, नवंबर, मतलब मैंने ऐसे सर अपनी मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैं आप ये चीज़ें बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर, अच्छे स्टूडेंट्स सर, जो पूरे साल भर मेहनत करेंगे लेकिन लास्ट टाइम पे आके गिव अप कर देते हैं। सर रीज़न बहुत सिंपल रहता है कि टेस्ट सीरीज को समझ नहीं पाते टेस्ट सीरीज को, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्रेम करता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसको ये भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन गेट के हिसाब से रिलेवेंट है और कौन सा इररिलेवेंट है, क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि टॉपिक अगर हम देखते हैं ईएसी में कुछ टॉपिक्स आपके पास ज़्यादा होता है गेट से, तो आपके पास गेट का जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें ईएसी के क्वेश्चन भी होंगे। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा उसको बनाया, स्टूडेंट उसको बनाया, बट वो समझ नहीं पाया, उसको लगा यार ये तो मेरे को पढ़ाया ही नहीं गया और ये मेरे से नहीं बढ़ रहा है, हाँ उसको लगेगा ये रिलेवेंट नहीं है, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है। एक एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, यू आर नॉट डूइंग द बीटेक, यू आर नॉट डूइंग एमटेक, यू डू नॉट हैव टू मेक रिसर्च ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। आप अगर बहुत रिसर्च, इंडिया की एक प्रॉब्लम ना सर, आपको अगर रिसर्च करना ना तो पहले बेटा इस एग्जाम को निकालो, उसके बाद आप करो ना, एमटेक इज देयर, पीएचडी इज देयर, उसके आगे पोस्ट डॉक्टरेट भी आपके पास अवेलेबल है, कुछ बाहर जाइए आप, खूब रिसर्च करो, बट आपको बेटा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट का आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किसकी रेलिवेंसी है, किसका बिल्कुल इररिलेवेंट कोई चीज है आप जबरदस्ती उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेटा ध्यान में रखना है, और प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अगर मैं मैकेनिकल और सिविल में सर जैसे बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये प्रोसेस इसी वे में चलेगा, रेलिवेंसी हमेशा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा कि मतलब अपने आप को साबित करना है कि संदीप चंद्राकर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, तो वो एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं गेट में, ठीक है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास सबसे पहले आप जब भी मैं बोलूंगा जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास गेट, जो आपके पास एग्जाम है, ठीक है ना, वो एक सिलेबस को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिलेबस से डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आपके पास क्वेश्चंस आए, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस की कॉपी निकालिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए, और जैसे जैसे आप ये चीज़ें चलेंगी बिल्कुल उसको आप मार्क करते जाइए कि हाँ ये मेरा टॉपिक हो गया, ये मेरा टॉपिक हो गया है, और उससे रिलेटेड आपके पास गेट के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आप बनाइए, एनालिसिस करिए, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर आप टेस्ट सीरीज इंगेज करते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, पैरेलली अगर आप टेस्ट सीरीज, आपके पास टाइम है, टेस्ट सीरीज आप इंगेज कर पा रहे हो, चीज़ों को समझिए, एनालिसिस करिए, ठीक है। मार्क्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट सीरीज में, मैं ये नहीं बोलता कि किसी के 50 में से 25 मार्क्स आए, ऐसे भी है, नहीं कर पा, वही होता है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा ना सर 3 घंटे का गेम है, ठीक है, अगर 3 घंटे में आप अच्छा कर लिए तो भी तो आप जीत गए, नहीं तो फिर आपके पास दिक्कत है। तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे आप टेस्ट सीरीज इंगेज करते हो तो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन मैं तो बोलता हूँ टेस्ट इंगेज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। आप ये सोच लिया कि भैया चलो ठीक है मेरे तो 50 है, 50 में से तो 30 आ गए एंड आई एम हैप्पी कि मेरी रैंक इतनी आ गई, भाई वो टेस्ट सीरीज है, वो आपका फाइनल गेट का एग्जाम नहीं है ना, ऐसा होता है। हाँ तो अब इसमें जैसा ऐसा मैंने देखा है सर कि बहुत बच्चे टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा मार्क्स आता है, मोटिवेट होते, नो डाउट, कोई मोटिवेट होता है, लेकिन उसको 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 मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, उसको एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, भाई वो 3 घंटे में क्या होगा नोबडी नोस, ठीक है, तो कोई नहीं जानता। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं सर आपके लिए। एक क्वेश्चन ये है, जैसे मेरा हमेशा से लगाव रहता है, जो बच्चे मतलब थोड़ा सा रहता है, इसलिए रहता है कि भाई ऐसी सिचुएशन हमने बहुत सारी देखी इसमें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 ईयर ड्रॉप लेते हैं, 2 ईयर ड्रॉप, कई का 3-3 साल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, कई इसी स्टेज पर होते हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि पीएससीयू का रेफरेंस वो देखा जाता है उसके एज वाइज भी। तो उनके लिए मैं ये बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बेचारे इससे पहले कोचिंग किए, उसके पहले कोचिंग किए, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हमारे इंडिया में बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग उनके लिए ये जो मैकेनिकल सिविल होगा, ईसी इलेक्ट्रिकल में तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल सिविल में आपसे बस इतना मैं पूछना चाहता हूँ,
उन बच्चों के लिए ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो पूरा हम लोग प्लान किए हैं पूरा नवंबर दिसंबर तक प्रॉपर वे में चलने वाला है, उनके लिए क्या ये एक बहुत ही अच्छी चीज साबित हो सकती है? वो गेट में स्कोर अच्छा कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, किसी भी चीज में ना कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपके पास जो बच्चा पिछले एक साल या दो साल से तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके पास ये एक प्रॉब्लम होती है कंटिन्यूटी की, ठीक है? आपके पास ये एग्ज़ाम आया, वो एग्ज़ाम आया, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है, या पर्टिकुलर कहीं जाना है, इस टाइप की चीज़ें होती है, और बच्चे थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं, ठीक है? डिप्रेशन वाला पार्ट भी काफ़ी होता है। हाँ, आप बार बार करते रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डिप्रेशन हो जाता है। तो बस मैं उसे यही कहूँगा कि सर देखिए, आपके पास सब्जेक्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है? सब्जेक्ट आपके पास, मैं जैसे मैंने बोला कि टाइम कंस्टेंट होगा सब्जेक्ट का, मैं ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो एक साल तक चलते ही जा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? तो आपके पास टाइम कंस्टेंट है, आप उस टाइम पर्टिकुलर टाइम उस टाइम ड्यूरेशन में जो चीज़ें हो रही है उसको फॉलो करिए, ठीक है? उस वे में आप, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो आप पैरेलली टेस्ट सीरीज एंगेज करिए ना, टेस्ट सीरीज एंगेज करिए आप पैरेलली, आप बिल्कुल आप नेशनल लेवल कोई सी बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे टेस्ट सीरीज एंगेज करिए नेशनल लेवल पे, जो भी आपके पास इंस्टीट्यूट है उनके टेस्ट सीरीज पैरेलली एनालिसिस भी करिए, ठीक है? और इवन आपके पास आप ये भी कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, ये एनालिसिस वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पैरेलली ये चीज़ें उनको करनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके अलावा अगर मैं बोलूँगा सर, क्योंकि कभी कभी जैसे आपने बोला पीएसयूज का जो आपके पास क्या होता है एज वाइज रहता है, ठीक है? तो सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जेई, ठीक है? एसएससी जेई मेरा एक हमेशा स्टूडेंट्स रहता है, क्योंकि देखिए सर गेट क्या है ना, गेट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, ठीक है? मैं पहले ही बोलता हूँ कि ये एग्जाम साल में आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास तीन बार होगा या चार बार होगा, दिस इज अ वन टाइम एग्जाम, ठीक है? और वो तीन घंटे का एग्जाम है, वो दिन आपका अच्छा रहा तो आप अच्छा कर लोगे, और दिन अगर आपका अच्छा रहा आप कितना भी पढ़ लो गड़बड़ हो जाए, ठीक है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके पास अगर आपका प्रेफरेंस, अगर आपका प्रेफरेंस आपको आईआईटी से मास्टर नहीं करना है, आपको जॉब चाहिए सर, आप एसएससी जेई की भी प्रिपरेशन कर सकते हो सर, अच्छे पोस्ट, हाँ सर बिल्कुल अच्छी पोस्ट होती है एसएससी जेई की, जो पोस्ट होती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीपीडब्ल्यूडी हो गया आपके पास, जेई जूनियर इंजीनियर लेवल का पोस्ट होता है, तो ये भी अच्छा अच्छे पोस्ट है, तो बिल्कुल आप उसके लिए जा सकते हो। और आप ऐसा है ना कि यहाँ पे आपके पास, क्योंकि आप टेक्निकली काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो, तो ये एग्जाम हो सकता है आपको ईजी लगे और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा, प्री मेंस वाला सिस्टम होता है, बिल्कुल 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 प्लान करेंगे सर, बिल्कुल ये प्लान करना है, क्योंकि एनीवेज मेरा ये मानना है कि आपके पास एनीवेज हम यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हैं, तो बेनिफिट हम चाहे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ईएसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, तो एसएससी जेई का भी बिल्कुल हम प्लान कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर, ठीक है? तो बस कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है? आपके पास एसएससी जेई वाला एग्जाम होता है वो भी मैं बोलूँगा कि अच्छा एग्जाम है, ठीक है? बिल्कुल उसको भी दीजिए, सिंसियरली दीजिए उसको, ठीक है? सिलेबस को प्रॉपर देखिए कि सिलेबस में, क्योंकि गेट और एसएससी जेई के सिलेबस में डिफरेंस है, एट द सेम टाइम क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस है, वो भी समझना है। आपको एसएससी जेई का एग्जाम देना और आप गेट के लेवल का पढ़ रहे हो, वर्थ नहीं है वो, वर्थ नहीं है वो। आप और मैंने देखा सर, कोई कोई अगर गेट का ही हमेशा पढ़ाया और वो एसएससी जेई फर्स्ट टाइम पढ़ाया, नहीं पढ़ा सकता सर। आप अगर आप मेरे को आज के डेट में बोलोगे कि सर एसएससी जेई का नहीं, आप मेरे को हाँ आप मैं कंटेंट है बट मैं एसएससी, क्योंकि मुझे पता है मुझे उस लेवल पे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि गेट हम यही मानते हैं ना कि जो हमारे पास टेक्निकल फील्ड में जो गेट होता है वो सब हम सबसे टॉप में रखते हैं, ईएसी गेट ये हम टॉप पे रखते हैं, तो हमने शुरू से यही पढ़ाया है, हमने एसएससी जेई नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल कल के दिन में अगर आप एसएससी जेई हम इस प्लेटफॉर्म पे, जो अगर कभी एसएससी जेई के मैकेनिकल सिविल में जैसे सिविल लोग का चल, हाँ 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 हाँ, तो जैसे सचिन सर, हाँ हाँ हाँ, तो सचिन सर क्या है कि वो मतलब कि 5,000 स्टूडेंट को एक टाइम पे पढ़ा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एसएससी जेई का हब है पता है मुझे, वहाँ पे उन्होंने 5,000 बच्चों को पढ़ाया है, तो उनको एक बेटर आइडिया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना कंसाइज कर, बिल्कुल बिल्कुल बताना है, बिल्कुल नहीं बता। अब उसको अगर कोई एक गेट का बच्चा देखेगा उस वीडियो को तो क्या कहेगा, यार इसने तो ये डेप्थ में नहीं बताया, हाँ बिल्कुल, जब वो उस सब्जेक्ट बिल्कुल गेट का पढ़ाए तो वो गेट का भी पढ़ाते हैं बहुत सारी जगह पे, बिल्कुल एक्सपीरियंस दोनों फील्ड, दोनों फील्ड में बिल्कुल बिल्कुल, एसएससी कितना पढ़ाना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, गेट में जब वो वही चीज पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो चीज इंडस्ट्री में जाएगी, वो चीज उसी वे में लेके जाएंगे, भाई मैकेनिकल होगा तो उसी फॉर्म में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि आपके पास क्या होता है कि आपको अगर दोनों फील्ड का है आपने पढ़ाया तो वेल एंड गुड है, ठीक है? ठीक है, लेकिन जैसे मैंने मेनली जो है, ठीक है, जितने भी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेनली मैंने गेट एसी ज्यादा पढ़ाया है, तो हाँ आपसे भी शायद ना हो पाए, आप एसएससी जी आप भी ना कर पाओ, तो इसके लिए सर पूरा ये प्लानिंग हमारा रहेगा कि इसके लिए जो एक टीम हो, एक अच्छी टीम लेके ही आए, ठीक है, कल के दिन में, क्योंकि देखिए जेनी की एक चीज है जो मेरे दिल को छूती है, वो है कि सर जब भी करते हैं ना
तो अच्छे लोगों के साथ करते हैं हमेशा हम उन लोगों के साथ करते हैं कि जो आपके पास कभी भी आपको डिप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब हम लोग का कोशिश यही रहती है सर कि मतलब कि जो जो भी जुड़े, हाँ, एक प्रॉपर फॉर्म में जुड़े, मतलब उसमें ये सब नहीं कि मतलब पैसे की बात हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये टीचर बेचारा खुशी नहीं है, हाँ, उसको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर हम 2 रुपए कमाएंगे तो उसमें से कम नहीं 1 रुपए हम टीचर को भी देंगे, ठीक है, 1 रुपए हम रखेंगे भाई, हम लोग भी हैं। मैं बिल्कुल ये बोलूंगा कि मतलब काफी वीडियो लेक्चर्स बनाने में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सर, अभी लोगों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है, जेनिक एजुकेशन में जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स काम करते हैं, दे आर गेटिंग द वन ऑफ द रेस्पेक्टिव अमाउंट। सर पता है, बिल्कुल पता है सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे देखते हो कि मैं ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है, सिंपल स्टेट जैसा हूँ वैसे ही हूँ। कुछ लोग को गाड़ी दिख जाती होगी तो उनको लगता होगा जेनिक बना इसलिए गाड़ी, अरे भाई बहुत पहले से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। मैं हूँ, सोहेल सर हो, संदीप सर हो या चंदन सर हो, सब बहुत ही हम्बल लोग हैं, ठीक है। चंदन सर तो ईएस भी छोड़ दिए, ठीक है, उनको मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना इजीली कोई नहीं छोड़ता चीजों को। मैं अगर मैं इंस्पिरेशन बोलूं सर, मैंने हमेशा बिल्कुल सर मेरे लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं शायद मैं किसी के वीडियोस नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल चंदन गुप्ता सर के वीडियोस देखता हूँ। देखिए जेनिक पे हर तरीके के लोग आते हैं, हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर जैसे चंदन गुप्ता की बात करें, सबसे सीधे इंसान, हाँ बिल्कुल, मोस्ट हम्बल पर्सन, बिल्कुल, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कोई क्या बोलता है। उनका दिमाग कब खराब होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है कंटेंट में, हाँ, उनका कुछ वीडियो अगर गड़बड़ हो जाता है तो उनको बहुत दिमाग खराब होता है, गुस्से में आ जाते हैं एकदम, ठीक है, कोई कुछ बोलता है फालतू बात करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। उनको ईएस उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा मेरे को नहीं करना, उनका हमेशा से टीचिंग पैशन रहा, हाँ, पहले भी क्लासेस लेते थे लेकिन वो कहते थे यार मुझको फुल टाइम आना फुल टाइम, हाँ, आना, तो फिर जेनिक खुला तो उनका भाई पंकज करते हैं, हाँ, तो मैंने कहा यार अच्छी बात है करते, हाँ, हैं। उनको इवन बहुत सारे लोग धमकियां भी दिए, हाँ, कि ऐसा कर देंगे ईएस में आप होके कैसे ले सकते हो, आप किससे बात कर रहे थे, ठीक है, he was the assistant director general in that field, ठीक है, तो आपको बेटर आइडिया होना चाहिए। जो बंदा पहले ही कुर्बान कर चुका है, मुझे करने नहीं इस चीज को, आप किसको धमकी दे रहे थे? ऐसे बहुत सारी धमकियां उनको आई थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जिसको प्यार होगा ना अपनी जॉब से, उसको आप धमकी दो, वो उसको डर लगेगा करने। बहुत लोग डर सकते हैं, ऑब्वियसली सबको डर लगता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हमारे साथ कभी ईएस भी जुड़ता है ना, कभी कोई जुड़ता है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं, क्यों चैरिटी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी आके अगर भाई यूट्यूब पे कंटेंट देना चाहता है तो हम तो भाई मोस्ट वेलकम करेंगे, आप आइए और दीजिए, ठीक है, ऐसा थोड़ी उनको नहीं नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी इन 4-5 महीनों में बहुत कुछ हुआ है सर, ठीक है। अब हमारी टीम में चंदन सर की बात हो गई, अब आप सोहेल की बात करो, ठीक है, सोहेल सर से अच्छा ऑनलाइन फील्ड में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा, नो वन, ठीक है। ऑनलाइन फील्ड मेरे को बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, मतलब कि सोहेल और मैं तो बहुत दिनों से साथ में रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन फील्ड में आप बात, अब आप उनको ऑनलाइन के बारे में उनको ज्ञान दोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा नहीं लगे भाई, मतलब ठीक है वो सीखना चाहते हैं हमेशा, लेकिन अब कोई फालतू बात करेगा कि ऐसा, अब कोई ट्रोलिंग करा रहा है, कोई आपका कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उस पर किसकी कर रहे हो आप? जो बंदा सब कुछ जानता है आप क्या कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो प्लस मैं हूँ, मेरा मैनेजमेंट पार्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मुझे मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, मुझे लोगों से रिलेशंस डेवलप करना बहुत अच्छे से आता है, मुझसे पता नहीं क्यों सर इंडिया में मतलब कि आई थिंक सभी टीचर मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री में ऐसा शायद ही कोई होगा, 2-4 छोड़ दें, ठीक है, 2-4 आप छोड़ दो, कोई भी अगर ये बोल देना कि पंकज सर ने मेरे साथ ये गलत किया है, चैलेंज कर रहा हूँ सर, अगर कोई भी इंडिया कोई भी टीचर ना ये बोल दे पंकज सर ने गलत किया है, या पंकज सर ने चीट किया है, या पंकज सर ने पैसे मार लिए, या पंकज सर ने ऐसा कर दिया, पंकज सर तो बड़े गंदे इंसान है, ठीक है, तो इस तरह की चीज ना कोई भी बोल देना तो मैं मान जाऊं इस चीज को, 2-4 को छोड़ दो, 2-4 को, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये बहुत वही लोग हैं, एक चीज और बोलूंगा, ये वही लोग हैं जो बोलते हैं एथिकल है, हाँ, बट एथिकल उनके नेचर में नहीं है सर, हाँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग हैं, तो डजंट मैटर। आज थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया, क्योंकि हमेशा जेनिक पे ऐसा उल्टा सीधा बोला जाता है, फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक हेल्दी एजुकेशन सिस्टम सभी लोग डेवलप करें। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने जीडी पीडी कोई भी कोर्स प्रोवाइड करें, कोई भी ना
एथिक्स एक ऐसा वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? ठीक है, तो आपको सबको समझना, हमें भी समझना चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए, और एक हेल्दी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें. दैट्स ऑल. बच्चों का बेनिफिट करो यार, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता है. ठीक है, और मैं ये शायद अब ये ट्रोलिंग वाला जो पार्ट है वो मेरे साथ भी होने वाला है. मे बी ऐसा होगा. बिल्कुल होगा. ठीक है, इसके लिए रेडी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता. नहीं नहीं, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता हमको. हमको हम लोग बस जो चीज अभी डिस्कस किए कि मैकेनिकल सिविल किस तरीके से हमको लीड करना है, किस तरीके से चलना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट. बेटा जिसको ट्रॉलिंग करना हो, 500 आईडी करे, 1000 आईडी करे, या एक काम करो 200000 आईडी बना लो. ठीक है, जो करना आप करो, डजंट मैटर. जो हमारे जेन्युइन बच्चे हैं, जो हमको फॉलो करते हैं बेटा, और जो आगे भी जुड़ेंगे, किसी चीज को मत देखो, जस्ट वॉच. आप देखो कंटेंट, अच्छा लगे तो आप चीजों को एंजॉय करो, नहीं अच्छा लगे तो आपको भाई थोड़ा बहुत बोलना होगा, सर अच्छा नहीं लग रहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आपको कोई अदर ऑप्शन मिलता तो आप बेटा बिल्कुल जाओ, हम लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज को. कभी ऐसा बोले नहीं, नहीं जेनिक इज बेस्ट, नहीं हम नहीं बोले, नहीं इट्स नॉट पॉसिबल. देखिए वो चीजें ऐसा कि अगर हम कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट्स ओके. वो बच्चा बिल्कुल सर सामने से आके बोलेगा कि सर कंटेंट बेस्ट है, बस खत्म, बात खत्म. कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको कहीं बोलने की, जरूरत नहीं कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बेटा. आप बेटा अपनी लाइफ साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए, आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी का नुकसान होगा ना, वो आपका केवल होगा. ना तो हमारा कोई नुकसान होने वाला, या जो बोलते हैं उनका ना तो कोई नुकसान होगा. नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि योर फ्यूचर, आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट आपके ऊपर है, और आपको इन सब चीजों में इंडल्ज ही नहीं होना चाहिए. आप जस्ट फॉलो. आप देखे हो हमेशा हम लोग जब असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, एक वीडियो बनाते हैं कि भाई ये प्लान है, कभी आपने सुना कालतू फालतू बात करते हुए? ठीक है, आज शायद पहली बार थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है. हाँ थोड़ा सा हुआ है. ठीक है, हाँ तो दैट्स वाई, तो थोड़ा बहुत हुआ है. तो अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो दैट्स ओके, शायद फर्स्ट टाइम हुआ है जेनिक एजुकेशन, थोड़ा बहुत इस तरीके का डिस्कशन भी हो गया, बट डजंट मैटर, चलिए उसको छोड़िए. तो अब आपका मैकेनिकल सिविल आपका स्टार्ट हो चुका है. ठीक है सर, बहुत जल्दी आपको एक दो दिन के अंदर आपको दिखाई देगा कि वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, और सिविल में भी बहुत जल्दी चेंजेस स्टार्ट करेंगे हम लोग. अभी सर का मैकेनिकल आएगा जो कॉमन सब्जेक्ट आप करेगा. सर आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं? सर कॉमन सब्जेक्ट में अभी फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, उसमें पूरा सबसे पहले तो एक इंट्रो वीडियो लेके आऊंगा मैं कि सब्जेक्ट में आपके पास, क्योंकि मैकेनिकल सिविल में कुछ पार्ट ऐसा है जो कॉमन नहीं है. ठीक है, तो वो पार्ट भी समझना पड़ेगा. तो पहले मैं कंप्लीट सिलेबस का एक ओवरव्यू दे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बस मैं स्टूडेंट से यही मतलब बोलना चाहूंगा कि आपके पास आप सब्जेक्ट को एंजॉय करिए. ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करिए. ठीक है, आप अगर टेस्ट सीरीज इंगेज कर सकते हो पैरेलली तो बहुत अच्छी चीज है. इंगेज करिए उसको, एनालिसिस करिए. ठीक है, मतलब आप बीच बीच में सर आपके वीडियोस आते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, आप वीकली प्लान्स क्या होंगे, बिल्कुल बिल्कुल तरीके से एग्जीक्यूट. हाँ वो बिल्कुल, टॉपिक्स देख, हाँ हाँ हाँ, उसका टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल क्या ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे वीडियोस आपको. क्योंकि सर ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, खुद को रिस्पॉन्सिबल होना. ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप इररिस्पॉन्सिबल हो कि ठीक है चलो आज वीडियो आया है, चार दिन बाद जाके देखूंगा, तो चीज़ें ये नहीं चलती है. तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें स्टूडेंट फिर अपना फिर वही चीज़ें कर रहा है, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है. ठीक है, वो चीज़ें मत करिए आप. ठीक है, और प्रॉपर आप कंटिन्यू रहिए जेनिक के साथ. ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा बहुत अच्छे वे में होगा. मैं वही फिर बोलूँगा 19-20 वाला. ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे बाकी लोगों की तरह हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट नहीं हैं, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि हम अगर वो 20 हैं तो हम आपको 19 प्रोवाइड करें. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसके लिए बोलने की नीड नहीं होती. ठीक है, तो आप लोग चलिए फिर आप लोग इन्जॉय करिए. तो ये अब संदीप सर सब कुछ संभालने वाले हैं मैकेनिकल सिविल कंप्लीट वे में आपको दिखेगा. और हाँ एक चीज़ कंफर्म कर दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा कोई कमेंट मत करिएगा. ठीक है कि सर GDPD कोर्स लॉन्च कर दो, नहीं लॉन्च हो रहा है, क्लियरली बता रहा हूँ. ठीक है, कोई GDPD कोर्स मैकेनिकल सिविल का नहीं लॉन्च हो रहा है. ऐसा नहीं हम लॉन्च नहीं कर सकते, बट हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है. आगे देखेंगे आगे कैसा प्लान बनता है, उसको आगे हम देखेंगे. पहले बस इतना इंपॉर्टेंट, आप जेनिक पे वीडियोस देखिए और अपना 2020 को टारगेट करो. और सर ने एक बात और भी बोली हुई है कि मे भी शायद प्लानिंग होगी कि नवंबर दिसंबर में 2-4 मॉक टेस्ट भी मे भी हम करा सकते हैं मैकेनिकल, और वो वन ऑफ द, उसको जरूर हम बेस्ट साबित करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसको डेफिनेटली, क्योंकि वो कोई कंटेनेटर नहीं डेवलप करेगा, उसको हम लोग खुद डेवलप कराएंगे. ठीक है, तो आपको वो चीजें मे बी मतलब एक वो है कि पॉसिबल है कि वो चीज की जा सकती. ठीक है, तो प्रॉमिस करेंगे जो कर सकते, हाँ जो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं प्रॉमिस करेंगे जो कर ना पाए.
हाँ टाइम कंस्ट्रेंट है आपका, ठीक है। नहीं क्लासेस भी तो हैं सर, कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी एक आध क्लास है, तो कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो इसलिए ऐसा प्रॉमिस कोई भी नहीं करेंगे। बट हाँ इतना जरूर है कि हमारा पूरी कोशिश, चाहे वो डबल यू चाहे ईसी, अब तो सारे नाम मैं लूंगा, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहे आपका मैकेनिकल हो चाहे आपका सिविल हो, और कोई ब्रांच नहीं, बस खत्म, नो सीएस, नो केमिकल, नथिंग, ठीक है। इतनी ब्रांचेस में हमारी पूरी कोशिश रहेगी सर कि हम दिसंबर तक बच्चों को इतना दे दें कि एटलीस्ट वो गेट में 70-80% स्कोर करने के लायक बन सके, जितने भी सेल्फ स्टडी एटलीस्ट कर रहे हैं, और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, उसको कैसे लीड कर सके, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोगों से हम लोग विदा करते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी अब सर आपको स्टार्ट करेंगे, और डबल ई और ईसी के वीडियो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। आपको अभी कल ही आपको प्लान नंबर 03 मिला है डबल ई में, तो आप डबल ई और ईसी दोनों के लिए, ठीक है, तो आप उसको इंजॉय करिए, और आगे हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच सर की तरफ से, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है, जो भी आपके पास कंटेंट मिलने वाला है। एक चीज तो आपने बोले नहीं सर, क्या बोलते नहीं लेकिन बोल देते हैं, ठीक है, कि इस वीडियो को आप सब जगह शेयर करो जितने मैकेनिकल फील्ड, क्योंकि ऐसा चांस बेटा नहीं मिलेगा, और बता दे रहा हूं इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में जितना जेनिक प्रोवाइड करता है क्रैश कोर्स को कोई नहीं किया है, और आगे भी शायद इतना इजी भी नहीं कोई कर पाएगा, ठीक है। प्लानिंग अच्छी हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, हाँ दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए आप सभी उन बच्चों को इन्फॉर्म करिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फोर्थ जो थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है। काफी लोगों ने एक्चुअली कुछ वीडियोस मेरे पहले थे, मतलब किसी नाम तो नहीं लूंगा, तो अब ऐसा था, हाँ तो ऐसा था कि नहीं एक्चुअली वो ऐसा सीन था कि अभी अभी रिसेंटली पता चला कि वीडियोस डिलीट हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास आए कि मैसेजेस आए कि सर वो वीडियोस आपके नहीं हैं, तो मैंने बोला मतलब ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ऑन द वे हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपको वीडियोज़ मिलेंगे, तो उसके लिए आप वरी मत करिए, ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप अच्छे वे में करिए, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे, जो भी चीज़ हम मेरे से पॉसिबल होगा, जेनिक टीम से पॉसिबल होगा, वो सभी हम अच्छे वे में करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कुछ लोग बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बता देते हैं, नहीं बहुत सारे कमेंट अभी आएंगे, मेरे को पता है कि 2000 जैसे मैंने बोला 2016 से मैं जानता हूँ आपको, अब मैं बता देता हूँ सर को मैं 2011 से जानता हूँ, कैसे जानता हूँ आपको वो भी बता देता हूँ, बिकॉज मेरी जो वाइफ है, ठीक है, सर की जूनियर रह चुकी है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को सर के बारे में बहुत पहले से बताया था, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई पर्सनल चीजें मत कमेंट करिएगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, चाहे वो रियल आईडी हो चाहे फेक आईडी, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट, एंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, और सब कुछ आएगा एकदम सुपर फॉर्म में, तो आप लोग गुड लक सबको, और सबको आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन सब एंजॉय करिए, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।